नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। वोटिंग के बाद नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पेश, शिवसेना ने समर्थन में किया वोट। उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 218 फास्ट ट्रैक अदालतें, 144 अदालतें सिर्फ दुष्कर्म के मामलों में करेंगी सुनवाई। शशि थरूर ने कहा, राष्ट्रीय हित के नाम पर अपनी नीतियां बचाने की कोशिश करती है बीजेपी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 20 सीटों पर हुई 64.39% वोटिंग। कर्नाटक में सिर्फ 2 सीट जीत पाई कांग्रेस, सिद्धारमैया और गुड्डू राव का इस्तीफा। सीटेट 2019 परीक्षा में एसटीएफ और मुरादाबाद पुलिस के हत्थे चढ़े सालवर गैंग के 10 सदस्य। प्याज के साथ साथ पेट्रोल भी तोड़ रहा रिकॉर्ड, दिल्ली में 75 रुपये लीटर पहुंचा पेट्रोल। इंडीज ने भारत को दूसरे टी20 में 8 विकेट से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर। रिलायंस जियो यूजर्स को तोहफा वापस आया, 149 और 98 वाले सस्ते प्लान्स। साल की सना मारिन बनी फिनलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री।